जहां अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को नए वर्ष पर अंग्रेजी कैलेंडर बदल जाते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में भी नए वर्ष पर पंचांग यानी पत्रा भी बदल जाते हैं। हिंदू धर्म का नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। उसके लगभग 2 महीने पहले से ही प्रकृति अपने नए कलेवर में आने लगती है। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, जिसमें पेड़ पौधे और वनस्पति अपने पुराने पत्तों को छोड़ने लगते हैं और नया वर्ष यानी चैत्र मास में नए कलेवर में आते हुए नए पत्ते को धारण करने लगते हैं। इस हिंदू धर्म के नव वर्ष में हकीकत में कुछ नया होता है, जिसमें यह प्रकृति हिंदू धर्म के नव वर्ष का जीता जागता उदाहरण है। हिंदू धर्म के नव वर्ष पर केवल प्रकृति कुछ नया नहीं करती, बल्कि अनंत अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थितियां बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संन्याति नवानि देहि। इस श्लोक के मुताबिक मानव भी हिंदू धर्म के नव वर्ष पर अपने पुराने वस्त्र को बदलकर नया वस्त्र धारण कर नए कलेवर में आते हैं। आइए जानते हैं आचार्य पंडित विजय नारायण शरण ने क्या कुछ कहा है। पंडित विजय नारायण शरण, टीडी कॉलेज चौराहा, संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर, बलिया, उत्तर प्रदेश। हमारे ऋषि मुनियों संतों ने इस नौ वर्ष आने वाले नौ वर्ष पर बहुत शोध किया हुआ होगा, मुझे लगता है कि, क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म का जब नौ वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, तो उसके 1-2 महीना पहले से ही प्रकृति भी नए कलेवर में अपने को करने लगती है। आप देखे होंगे यत्र तत्र सारे पेड़ पौधे अपने पुराने पत्ते को छोड़ने लगते हैं और फूल पौधा वनस्पति, हम मनुष्यों में भी परिवर्तन हो जाता है, वस्त्र में परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन हो जाता है और बहुत कुछ में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा अनंत अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थितियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। मैंने समझ लीजिए कि पाताल से लेकर के और भूभुवस्वर जनलोक तपलोक महलोक सतलोक तक में परिवर्तन होता है हमारे नए वर्ष, नए संवत्सर में, नए वर्ष में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पंचांग बदल जाता है और नवरात्रि की उपासना करके हर हिंदू सनातन धर्मी भी नए कलेवर में हो जाता है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।